कौन थे चौधरी हरमोहन सिंह यादव 18 अक्टूबर 1921 से 24 जुलाई 2012। अगर हम बात करें, 3 बार अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष रहे, 1 बार अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के अध्यक्ष रहे, लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, लोकदल और जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे। ये हम बात बता रहे हैं हरमोहन सिंह यादव साहब की, जिनका बड़ा रुतबा, बड़ा कद कोई एक जाति समाज के नेता नहीं बल्कि बड़े नेता थे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल के तौर पर इनको देखा जाता था। वहीं चौधरी हरमोहन सिंह यादव की शख्सियत काफी बड़ी थी। वे सियासी तौर पर जितने सक्रिय थे उतने ही सामाजिक एकता को लेकर भी समर्पित थे। आज भले ही उनकी विरासत को लेकर पक्ष विपक्ष की सियासत हो रही हो, लेकिन चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी से जुड़ी एक खास बात आप सबको जाननी जरूरी है और जाननी भी चाहिए। नायक जैसी छवि उनकी थी। जी हाँ, चौधरी हरमोहन सिंह ने 1984 में दंगाइयों से लोहा लिया था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों को उन्होंने रोका था। कानपुर में सैकड़ों सिख परिवारों की जान उन्होंने बचाई थी। कानपुर के रतनलाल नगर में दंगाइयों को पीछे हटाया था। छत से फायरिंग कर दंगाइयों को भागने पर मजबूर किया था और कई सिख परिवारों को अपने घर में शरण दी थी। और देखिए खास बात, इस वीरता के लिए शौर्य चक्र भी दिया गया था चौधरी हरमोहन सिंह यादव को। 1991 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने किया था शौर्य चक्र से सम्मान। तो यह उनकी शख्सियत थी, उन्हीं का जन्म शती समारोह, लेकिन चुनावी मौका है और ऐसे में कई तरह के सवाल उठना लाजमी है। तो सबसे पहला सवाल मैं सुखराम जी से करूंगा, सुखराम सिंह जी से। सुखराम जी, क्या कहना, आपका चुनावी साल है और आप सपा के सांसद हैं, लेकिन आज आपने मंच से जो कुछ कहा, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप जा रहे हैं, आपका पूरा परिवार, आपकी विरासत? देखिए, हम समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी की स्थापना में हमारा और हमारे पिताजी का महत्वपूर्ण योगदान है। हम उसके फाउंडर मेंबर भी हैं। माननीय मुलायम सिंह जी हमारे नेता हैं जी, और मुलायम सिंह जी के आदेश निर्देश पर हम काम करते रहे हैं और उनके आदेश निर्देश पर काम करते रहेंगे। बताएं जी,